हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सैर एंड यू आर वाचिंग जीनीज फैशन। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दो फेस पैक फॉर इंस्टेंट ग्लोइंग एंड ब्राइटनिंग। सो जब हमें किसी पार्टी में जाना होता है या हम किसी वेडिंग में जा रहे होते हैं, सो उसके लिए अगर हमें कुछ इंस्टेंट जल्दी से कुछ ऐसा चाहिए जो जिससे हमारे फेस पे कुछ अच्छा सा ग्लो आ सके या हमारी स्किन थोड़ी सी ब्राइट दिख सके, उसी के लिए मैंने आज शेयर किए दो फेस पैक। जो दोनों भी फेस पैक में मैंने इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं वो बहुत ही इजीली आपकी किचन में आपको मिल जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मेरे पास है मुल्तानी मिट्टी, रोज़ वाटर। सबसे पहले हम लेंगे क्लीन बोल और उसमें हम डालेंगे एक टेबलस्पून मुल्तानी मिट्टी। और ये फ़ैन की वजह से थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी उड़ चुकी है, पर कोई बात नहीं है। सो हमें एक टेबलस्पून मुल्तानी मिट्टी लेनी है एक क्लीन बोल में। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं रोज़ वाटर, और आप लोग रोज़ वाटर अपने अकॉर्डिंग ही इसमें ऐड करें। मेरी स्किन है नॉर्मल, इसीलिए मैं रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है सो आप लोग इसमें मिल्क ऐड कर सकते हैं। हमारा फेस पैक रेडी है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है हमें लिक्विड ही रखनी है, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद ये जो फेस पैक है अपने आप इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो खुद ब खुद थोड़ी थिक होने लगती है। सो हमारा पेस्ट रेडी हो गया, जैसे मैं लगाने वाली हूँ एक ब्रश से, और ये आप इसकी कंसिस्टेंसी जैसे मैंने जैसे लिक्विड ही, वरना ये थोड़ी देर में कैसे ना ठीक होने लग जाता है। सो ब्रश की हेल्प से लगाइए आप, या अपने फिंगर से भी लगा सकते हैं। और इसको आप थिक लेयर ही लगाएं ताकि ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। मैंने पैक अच्छे से अपने पूरे फेस पे लगा लिया है, और आप लोग जब ये पैक लगा ले उसके बाद आप बिल्कुल ज़िप हो जाइए, कुछ भी अपने मुंह से आपको नहीं बोलना है। अगर आप बात करेंगे तो आपके फेस पे क्रीजेस आ जाएंगी। सो अभी आपको बिल्कुल 10 मिनट्स तक ज़िप हो जाना है, और जैसे ये ड्राई डाउन हो जाए हम इसे प्लेन वाटर से वॉश कर लेंगे। तो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है प्लेन वाटर से। बहुत ही अच्छा एक इंस्टेंट ग्लो दिख रहा है मेरे फेस पे। मेरा फर्स्ट मुल्तानी मिट्टी पैक था ये, तो मैं नॉर्मली वीकली मैं यूज़ करती हूँ। स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग और ब्राइट भी दिखती है। सो डू ट्राई दिस पैक। सो नेक्स्ट पैक के लिए लेना हमें फिर से एक क्लीन बोल, और उसमें ऐड करेंगे हम 2 टेबल स्पून बेसन। फिर हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी, और हल्दी आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे रोज़ वाटर, और रोज़ वाटर भी आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। मुझे रोज़ वाटर ज़्यादा पसंद है। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ हनी, और हनी भी मैं अपने अकॉर्डिंगली इसमें ऐड करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को हनी ऐड नहीं करना है तो आप उसकी जगह मिल्क यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ वाटर। बिना वाटर के ये पैक बाइंड नहीं होगा, सो हमें इसमें वाटर ऐड कर लेना है और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है और एक पेस्ट रेडी कर लेना है। सो नेक्स्ट जो बेसन पैक है वो भी रेडी हो चुका है। सो अभी इसको भी मैं एक ब्रश की हेल्प से अपने पूरे फेस पे लगाने वाली हूँ। इसकी भी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी थिक ही है, और हमने थिक थिक लेयर ही लगानी है हमारे फेस पे। ये जो हमारा पैक है इसमें जैसे कि बेसन, हल्दी, जितने भी इंग्रेडिएंट्स गए हैं वो हमारे किचन में ही अवेलेबल होते हैं। जो इस पैक में हमने हल्दी ऐड की है वो सिर्फ हमें एक इंस्टेंट ग्लो या ब्राइटनिंग नहीं देती, हमारे जो पिंपल्स है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करती है, हमारे डार्क स्पॉट को लाइट करने में हेल्प करती है, एक्ने मार्क्स, बहुत सारी चीज़ों के लिए, और हमारे फेस के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अराउंड 10 मिनट्स ये ड्राई हो जाता है, फिर हम इसे भी प्लेन वाटर से वॉश कर लेंगे। ये आपको बाहर से लगेगा नहीं कि ड्राई हुआ है, बट मुझे अंदर से पूरा फील हो रहा है कि ये ड्राई हो चुका है। सो अभी हम इसे प्लेन वाटर से सिर्फ वॉश कर लेंगे। हमने हमारा फेस प्लेन वाटर से वॉश कर लिया है। मैंने इसे 10 मिनट्स के लिए रखा था सिर्फ अपने फेस पे इस पैक को,
सो अब फेस बहुत ही ज़्यादा ग्लो कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट भी लग रहा है, और मुझे जो थोड़े स्पॉट्स है वो भी मुझे थोड़े लाइट दिख रहे हैं। इंस्टेंट ग्लो के साथ हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकती है, सो डू ट्राई दिस पैक ऑल्सो। सो जो दोनों भी फेस पैक मैंने आपको वीडियो में बताया है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं इंस्टेंट ग्लोइंग और ब्राइटनिंग के लिए। जैसे फर्स्ट पैक जो मुल्तानी मिट्टी वाला था, मुल्तानी मिट्टी तो आप लोगों को पता ही होंगी कि वो बहुत टाइम से यूज़, बहुत पहले से लोग उसे यूज़ कर रहे हैं फॉर ग्लोइंग, फॉर ब्राइटनिंग, और वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और जो सेकेंड पैक मैंने बताया था हल्दी बेसन, वो तो बेस्ट ही होता है कि, और वो दोनों ही पैक बहुत ही इंस्टेंट ग्लो देते हैं हमारे फेस पे, बहुत अच्छी हमारी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है उससे। सो आप दोनों भी फेस पैक ट्राई कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो, सो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल बटन ताकि मेरी कोई भी वीडियोज़ आप मिस ना करें। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल @SaifFatima2000। सो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।